हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबसे एक बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे देखकर हम लड़की लड़के औरत आदमी कोई भी हो, हमें चिंता होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा होते हैं, हमारे बाल, जो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आपके बाल जो हैं घने हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, तो आपकी खूबसूरती में अपने आप ही चार चांद लग जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाएं, या फिर अचानक से गंजापन आ जाता है, या फिर आपके सर पे कभी चकदे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जहाँ से बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं सर के इस हिस्से से किसी भी हिस्से से, तो ये जो प्रॉब्लम है, बाल झड़ना, बाल टूटना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन गंजापन या सर से अचानक से किसी भी हिस्से, सर के किसी भी हिस्से से बाल गायब होना, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये नेचर शोर का जो जोंक ऑयल है, ये काफी अच्छा है, क्योंकि जो जोंक है, हम सब ने उसके बारे में सुना है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो जोंक होता है, जो उससे तेल निकलता है, वो जो तेल होता है वो बालों को दोबारा से उगाने में हमारी हेल्प करता है। इसको बस सही तरीके से यूज करना है। मैं आपको अभी डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये 100% नेचुरल है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर इंग्रेडिएंट से बना है। नेचर शोर का ये जो जोंक ऑयल है वो हाईली इफेक्टेड इन हेयर रीग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग अदर हेयर रिलेटेड डिसाइजेस। मतलब कि आपको जो अचानक से आपके बाल उड़ने लगे हैं, गंजापन आने लगा है, उसमें तो ये आपको हेल्प करता ही है, लेकिन अगर आपको बालों से जुड़ी कोई और भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ना टूटना, उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है, नेचर शोर का जोंक ऑयल। तो इसका जो लिंक है प्रोडक्ट का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। तो इस डब्बे के अंदर निकलती है कुछ इस तरह की ये बॉटल, और ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक की है, कांच की नहीं है, जिसके टूटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर घर में छोटे होते हैं तो डर रहता है कि बच्चे इधर उधर हाथ लगाएंगे, उनके हाथ लग गई तो बॉटल के टूटने का खतरा है, तो इस बात का बिल्कुल भी यहाँ डर नहीं है, क्योंकि बॉटल जो है प्लास्टिक की है। और डब्बे के पीछे आपको सारी डिटेल्स में जानकारी दी गई है कि कौन सी कंपनी ब्रांड का है ये ऑयल, और इसकी MRP है 239। और ये MRP आपको सुनकर लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तेल है आपका 2 से 3 महीने आराम से चलेगा, तो ये उसमें बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आपके बिल्कुल बजट में है ये। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बालों से जुड़ी, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, अचानक से गंजापन आ जाता है, या फिर कहीं से भी बालों आपके सर के जो है किसी भी हिस्से से बाल गायब हो जाते हैं, तो उस सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, नेचर शोर का जोंक ऑयल। और यहाँ पे भी सारी डिटेल्स दी गई हुई हैं, अगर आपको कोई भी जो है देखना है तो आपको डब्बे के पीछे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं तेल को बनाने में, सब कुछ यहाँ बताया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये 100% प्योर इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो कि बालों की रीग्रोथ करने में इफ़ेक्टिव है। आपकी जो बाल टूट रहे हैं, झड़े हैं, उनमें ये आपको बहुत हेल्प करता है। आपको इसे एक रात पहले लगा लेना है बालों में, और अगले दिन मॉर्निंग में उठ के अपना सर धो लेना है। और अगर आपको तेल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 2-3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है नेचर श्योर का क्लिनिकली टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है। और यही नहीं, नेचर श्योर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे 100% नेचुरल होते हैं। तो आपको भी अगर बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तेल को ट्राई करके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तेल है नेचर श्योर का। नेचर श्योर जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रोडक्ट को यूज़ कर। तो चलिए, मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।